हेलो गाइस, वेलकम टू डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग। दिस इज अवर फर्स्ट वीडियो एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर आईसी इंजन कोर्स। गाइस, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो सेशन, आई वुड लाइक टू शेयर माय एक्सपीरियंस ऑफ दिस पेपर। देखो गाइस, यहाँ पे आईसी इंजन का जो सिलेबस होता है वो जनरली न्यूमेरिकल्स प्लस थ्योरेटिकल थ्योरी। सो न्यूमेरिकल्स का पार्ट जो होता है वो अराउंड ऑफ मोर देन 40 प्लस अराउंड 50-60 का उसका क्या होता है, वेटेज होता है। एंड थेरी का जो वेटेज है वो अराउंड 40, मतलब 60-40 या तो फिर 70-30 का आप रेशो पकड़ के चलो, न्यूमेरिकल्स एंड थेरी का होता है। सो मैंने अभी तक का एक्सपीरियंस देखा है कि आईसी इंजन के पेपर्स चेकिंग करते वक्त कि होता क्या कि बच्चे सिर्फ थेरी करके आते हैं, मतलब सिलेक्टेड पार्ट जैसे कि मॉडल नंबर 1, मॉडल नंबर 2 और मैक्स टू मैक्स मॉडल नंबर 4, उसके आगे सॉल्व नहीं होता है। सो मॉडल नंबर 1, मॉडल नंबर 1 और 2 में मैक्स बहुत सारा थेरी है। सो सिर्फ थेरी करके या तो फिर सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स के दम पे सो आईसी इंजन क्लियर नहीं हो सकते हैं। सबको ये पकड़ के चलना है कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है, क्योंकि अगर आईसी इंजन स्मार्ट वर्क से अगर आपको इसी सेमिस्टर में क्लियर करना है तो एक दो चीजें याद रखना कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है, और दूसरी चीज आपको एग्जैक्टली क्या ऑप्शन में छोड़ना है। मैं आपको कभी नहीं कहूंगा कि 6 के 6 मॉड्यूल करके जाओ, वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे मेरे पास सिखाने के लिए एक सब्जेक्ट है तो 6 मॉड्यूल भी काफी सारे होते हैं सिखाने के लिए। अगर मैं आपको कहूंगा कि आपको आईसी इंजन के 6 के 6 मॉड्यूल करके जाओ तो वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट का भी लोड होता है। सो स्मार्ट वर्क से आप इसको क्रैक कर सकते हो, और सही में बोलो आईसी इंजन काफी आसान है। आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस होनी चाहिए और थेरी बाहर करने से बेटर है कि उसको समझ के लो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको साथ शेयर करता हूँ इसका सिलेबस। ओके, मॉडल नंबर 1 आईसी इंजन, कंपोनेंट्स ऑफ आईसी इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन, सीआई इंजन, वॉल टाइमिंग डायग्राम्स, 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक्स, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ इसमें थेरी पार्ट है। और आपको आई थिंक ये डिप्लोमा में भी हो चुका होगा। सो सही में बोलो तो ये थेरी पार्ट मैं आपको कोई लाइन टू लाइन रीड करके मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे से बेटर नॉलेज आपको भी होगा आईसी इंजन के बारे में। सो जो थेरी पार्ट है उसके लिए मैंने प्लान किया है कि उससे रिलेटेड जो भी मटेरियल, जो भी वीडियोस अवेलेबल है, मैं वो आपके साथ वन बाय वन शेयर करूंगा। आपको सिर्फ 5 मिनट का टाइम निकाल के वो वीडियोस को समझना है। अगर कुछ डाउट्स आता है तो डाउट सेशन में आप मुझे पूछ सकते हो। सो ये थेरी की पार्ट, जो थेरी का जो पार्ट है वो हम वीडियो सेशन में यूट्यूब के वीडियोज पे एनिमेशन के थ्रू समझ के लेंगे। आपको सिर्फ छोटा सा काम करना है, आपके पास जो भी नोट्स है, इवन मैंने जो अभी स्क्रीन पे जो शेयर किया वो नोटबुक है, उसमें अच्छा खासा थ्योरी दिया हुआ है, उससे रिलेटेड थ्योरी एक बार रीड कर लो, समझ लो, बाकी आप खुद से लिख सकते हो। और एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि रिमेम्बर कि सपोज किसी क्वेश्चन का वेटेज है अराउंड 5 मार्क्स, तो पकड़ के चलो कि वह सिचुएशन में टीचर खड़ूस है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको 5 मार्क्स के लिए कम से कम 10 पॉइंट कवर करते हैं आना चाहिए। कवर करना है मतलब कुछ भी लिखना ऐसा नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल हम भी टीचर हैं, हमें भी पता है कि बच्चा क्या लिखता है और बच्चा कहाँ किस हद तक लिख सकता है। सो पकड़ के चलो कि आपको जितना हो सके डायग्राम्स को ड्रॉ करो, जितना हो सके जो भी की पॉइंट्स आपने समझा है लिखा है उसको हाईलाइट करो, तो पता चलता है कि बच्चे ने सही में मेहनत की है। ओके, सो थ्योरी पार्ट आपको ऐसे कवर करना है। आपको ऐसे रैटी निबंध स्पर्धा नहीं है देते। ओके, सो आपको जो भी थ्योरी है 5 मार्क का है तो 10 पॉइंट, 10 मार्क का है तो 20 पॉइंट, से ये पकड़ के चलो। नॉर्मली थ्योरी है 5 to 6 मार्क्स के ऊपर आती नहीं है, सो 10 मार्क आपको लिखने हैं इंक्लूडिंग डायग्राम्स। ओके, नेक्स्ट मॉडल नंबर 2 ऐसा इंजन, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसके ऊपर भी भर भर के थेरी आती है जिसका वेटेज है 15 मार्क्स। सो 12 to 15 मार्क्स का इसका वेटेज है, ये पकड़ के चलो। ऐसा इंजन पे हम फोकस करेंगे।
मॉडल नंबर 3 सीआई इंजन है, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के ऊपर थेरी आता है, कंबशन के न्यूमेरिकल्स आते हैं, सो ये भी पार्ट हम देखेंगे। देखो गाइस ये हमें करना है क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। मॉडल नंबर 4 इंजन लुब्रिकेशन है, इंजन कूलिंग है एंड सुपर चार्जिंग टर्बो चार्जिंग, इसके ऊपर थेरी है प्लस सुपर चार्जिंग एंड टर्बो चार्जिंग के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। बट अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस भी इसके साथ का शेयर करता हूँ कि जब भी मैंने बच्चों को ये मॉडल सिखाया तो होता क्या कि सुपर चार्जिंग टर्बो चार्जिंग के जो न्यू फॉर्मूलाज है वो क्वाइट यूनिक है, लिटिल बिट सिमिलर है पहले के प्रीवियस चैप्टर के साथ, बट वहाँ का कॉन्सेप्ट यहाँ का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग होता है, तो बच्चा जंबल हो जाता है। तो आइदर वो SSCI करेगा या तो फिर सुपर चार्जिंग करेगा। अगर सुपर चार्जिंग करता है टर्बो चार्जिंग करता है तो वो पहले के फॉर्मूलाज में वो वहाँ पे उसको कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। सो मैंने हर बार आपको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि सुपर चार्जिंग टर्बो चार्जिंग अगर परफेक्टली आप करते हो तो करो, अदरवाइज सुपर चार्जिंग टर्बो चार्जिंग का थेरी करके जाओ। गाइज रिमेंबर कि क्वेश्चन नंबर 1 हमें कंपलसरी होता है और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 6 तक, मतलब टोटल होते हैं अराउंड 6 क्वेश्चंस होते हैं। ओके उसमें से आपको एनी 4 सॉल्व करना है, 5 सॉल्व करने हैं। सो टोटल वेटेज होता है 80 मार्क्स का और टोटल मार्क्स होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स होते हैं विद ऑप्शंस पकड़ते तो 120, मतलब 40 मार्क का अपने पास ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं। सो अगर आपने न्यूमेरिकल्स को यहाँ पे स्किप किया तो एटलीस्ट उसकी थेरी आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 6 में उसको मिस नहीं कर पाओगे। सो अगर लॉस होता है यहाँ पे तो सिर्फ 10 मार्क का हो सकता है बिकॉज ऑफ सुपर चार्जिंग एंड टर्बो चार्जिंग, अदरवाइज उसको ऑप्शन में छोड़ दो तो भी बेटर है। नेक्स्ट मॉडल नंबर 5 इंजन टेस्टिंग एंड परफॉर्मेंस, ये सबका फेवरेट और करियर में इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू भी काफ़ी सारा इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर आपने प्रैक्टिकल भी देखा होगा, सो काफ़ी आसान भी है बट भर भर के एफिशिएंसीज है, आप इसको एंजॉय करोगे। सो ये चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है उतना ही। नेक्स्ट मॉडल नंबर 6 अल्टरनेटिव फ्यूल्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल। सो गाइज ये जो है ना लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज यहाँ पे शेयर किया। अभी तक हमने 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक देखा बट 6 स्ट्रोक कभी देखा है क्या? वो थेरी में समझना भी क्वाइट डिफिकल्ट है। सो गाइज हम इसको है ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, मैं भी सर्च करता हूँ वीडियोस को, आप भी करो, और जितना सिंप्लीफाई करते हैं ना हम वीडियो से समझ लेंगे और वहां पे हम लिख के आएंगे पॉइंट वाइज। सो स्मार्ट वर्क करेंगे, मैं आपको वही बोलता हूँ कि 4 मॉड्यूल से न्यूमेरिकल्स वाले, उसमें भी सुपर चार्जिंग टर्बो चार्जिंग को लास्ट में करो, बट बाकी 3 न्यूमेरिकल्स परफेक्टली आने चाहिए और बाकी का थेरी जितना हो सका, मतलब जो कॉमन है वो हम करके जाएंगे। सो न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने प्लानिंग किया है, मेरे पास एक फॉर्मूला लिस्ट रेडी है। देखो गाइज मैंने भी थोड़ा बहुत मेहनत किया है यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट मॉडल नंबर 1। सो जो कॉमन थेरी क्वेश्चन है मैंने लिखा हुआ है कि भाई इतना 5 मार्क्स के लिए आता है, इतना 10 मार्क्स के लिए आता है, सो बस उतना ही करके जाना है। ओके सो क्योंकि आपने देखा होगा टेक्निक्स भी काफी लेंदी किया हुआ है, सो इतना करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है साइकिल एनालिसिस मॉडल नंबर 2। तो यहाँ पे जितने भी लगने वाले फॉर्मूलाज हैं मैंने उन सबको एक बार एक ही पेज में कंबाइन किया है। सो ये फॉर्मूलाज अच्छे से देख के जाने हैं, मैंने उनके यूनिट्स भी आपके साथ शेयर किया है, वो सारे रिलेशन आपके साथ शेयर किया है। सो गाइज इसका प्रैक्टिस मस्ट है, वो आपको करना है क्योंकि यही आपको बचाने वाला है। मॉडल नंबर 3 स्पार्क इग्निशन इंजन, इसके ऊपर भी देखो आप भर भर के थेरी है बट काफी आसान है अगर आप वीडियोस के थ्रू सीखते हो तो, और कार्बोरेटर के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। सो प्लीज ये जो फॉर्मूलाज है वो एक बार अपने हाथों से लिख के लो तो उसकी प्रैक्टिस होगी, अदरवाइज इम्पॉसिबल है। सी आई इंजन भी देखो भर भर के थेरी है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स है। सो ऐसे चैप्टर हमें करने हैं और खुद से करने हैं, क्योंकि होता क्या कि जब भी सॉल्व करने के लिए बैठते हैं तो बच्चा कंफ्यूज होता है गिवन डेटा में उसके यूनिट्स में। सो बेटर क्या होगा एक बार बैठ के सॉल्व करो। सुपर चार्जिंग टर्बो चार्जिंग के ऊपर ये मैंने स्टेप वाइज ही दिया हुआ है, जितना हो सके मैंने ट्राई किया है, तो अप टू 1st से लेके 10th स्टेप्स इसमें आते हैं। सो काफी लेंदी न्यूमेरिकल है ये, बट अगर करना है तो पक्का करेंगे।
और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंजन टेस्टिंग एंड परफॉर्मेंस। सो यहाँ पे शॉर्ट नोट भी आती है, डेफिनेशंस भी आता है, ब्रेक पावर क्या होता है, इंडिकेटेड पावर क्या होता है, फ्रिक्शनल पावर क्या होता है, एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी, इंडिकेटेड, रिलेटिव। सो देर आर सो मेनी फॉर्मूलाज। ओके, बट ये फॉर्मूला याद रखना कि सिर्फ आईसी इंजन में नहीं लगेगा, पूरे होल लाइफ में आपको इसको यूज होगा। सो ये बड़े प्यार से फॉर्मूलाज करने हैं, एक बार लिख के लेने हैं। ओके, सो गाइज आज मैंने कुछ आपको सिखाया नहीं है, मैंने सिर्फ आपको एक पिक्चर क्लियर करके देना है कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है आईसी इंजन के लिए। तो मॉड्यूल नंबर वन, मॉड्यूल नंबर टू की थ्योरी, तीन का, चार का, पांच का, छह का थ्योरी हम अच्छे से करेंगे। ओके, और इसके न्यूमेरिकल्स में हम मॉड्यूल नंबर टू, मॉड्यूल नंबर थ्री, मॉड्यूल नंबर फोर और एक न्यूमेरिकल इंजन टेस्टिंग एंड परफॉर्मेंस, सॉरी सुपर चार्जिंग एंड टर्बो चार्जिंग के ऊपर देखेंगे। सो गाइज आप सब कुछ देखोगे, बट अभी से आप रणनीति तय करोगे कि आपको एग्जैक्टली क्या क्या करना है इसमें से। सो आई होप आज का ये प्लानिंग, ये डिस्कशन आपको समझ में आया होगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसको और भी सिंप्लीफाई करने के लिए, और ये जो नोट्स है, ये जो पीडीएफ है, मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ जिस बच्चों ने पहले एडमिशन किया था। बट अगर बाय मिस्टेक्स अगर आपने अभी एडमिशन किया है और मैंने पीडीएफ आपके साथ शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ मुझे एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो कि सर मेरे साथ वो लिंक शेयर करो, तो मैं आपके साथ वो लिंक आपके ईमेल आईडी पे एक्सेस दे देता हूँ। ओके, सो गाइज इफ देर इज एनी डाउट, और वन मोर थिंग कि मैं जानना चाहूँगा कि आपका आईसी इंजन अगर बैकलॉग में है तो उसके पीछे रीज़न क्या था, आपने एनालिसिस तो किया होगा। सो मुझे बेटर फील होगा अगर आप आपका एक्सपीरियंस शेयर करते हो कि एग्जैक्टली आपने कहाँ पे, मतलब आपने कौन सा मॉड्यूल स्किप किया था उस वक्त, या तो फिर कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था, कि कोई कौन सा न्यूमेरिकल आपने किया नहीं था, सो एग्जैक्टली क्या हुआ था। अगर हो सके तो आपका पर्सनल जो भी एक्सपीरियंस है मेरे साथ व्हाट्सएप पे शेयर करो, तो मैं उसके ऊपर भी काम करूंगा। सो बेटर होगा कि आपके प्रॉब्लम्स और मेरा सोल्यूशन, सो हम इसको और भी अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर कर पाएंगे। सो गाइज स्टे एट होम, घर पे ही रहो, बाहर मत निकलो, और अपनी और घर वालों की ख्याल रखो। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।